ये ट्रेलर दिखाएं और फिर आप लोगों के रिएक्शंस हम जानेंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट द टीम टू डू द नेसेसरी सो दैट द एंटायर प्रेस एंड मीडिया कैन वॉच. मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है. तुम्हें गर्व करना चाहिए या सर, इसका फैसला तो इतिहास करेगा. ये मुझे उम्मीद है कि जो देखने वाले मीडिया भी हो लोग भी हो, हिंदी साहित्य में इनका बड़ा नाम है. वो फिल्म शुरू कर रहे हैं, वो सनी के साथ कर रहा हूँ, सनी देओल के साथ जो हम लोग 24-25 साल के बाद कर रहे हैं. जिस लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं, उसी दौरान असगर साहब के सामने सिटिंग चल रही थी हमारी, तो उन्होंने इस प्ले का जिक्र किया और बोला पढ़ने के लिए मुझे दिया. इनको बिल्कुल यकीन नहीं था ये फिल्म भी बन सकती है. जस्ट गिव मी द मेन पर्सन जहाँ से ये यात्रा शुरू हुई, गांधी गुड़ से एक युद्ध. असगर साहब आप कुछ कहिए. जी बहुत बहुत धन्यवाद राज जी. और ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब मैंने इनको नाटक पढ़ने को दिया था कि ये प्ले है, एक्शन भी इसमें कम है, इन्होंने जब मुझसे पहली बार कहा कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैंने ये समझा शायद ये कुछ मजाक में या कुछ बहुत लाइट मोड में कह रहे हैं. लेकिन जब दो तीन बार फिर इनसे बात हुई और ये लगा कि वाकई ये राज्य के अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा दिखाई दी, वो ये कि ये सच्चाई की तलाश करते हैं और सच्चाई की तलाश में जितना मैंने इनको लगे हुए देखा बहुत बड़ी बात थी. जो कुल मिला जुला करके इस फिल्म के लिखने में और इसकी शूटिंग में और बाकी चीज़ों के दौरान हम लोगों की बातचीत होती रही. तो ये भगत सिंह के टाइम पे भी था. भगत सिंह भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थे गांधी जी के कंपेरेटिवली, कि भाई गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया, उनको बचा सकते थे वगैरह वगैरह. तो भगत सिंह ऑल्सो वॉज अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस. एंड ऐसे फिल्म बनाने में जो करना है आर्ग्यूमेंट लाना है उसी के अंदर करना है, तो वो बड़ा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है. गांधी गोड से ऑल्सो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है. तो जैसे सच्चाई, तो इसकी जो सबसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो है सच्चाई. वी डिड हैव मनी, ऑनेस्टली आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, बिकॉज 9 साल के बाद करता रहा, 8 साल से कुछ फिल्म बनाई नहीं और फिल्म शुरू की थी वो भी बंद हो गई थी. तो मनी वॉज नॉट देयर फॉर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या था इन्वेस्टमेंट हमारे पास? ट्रुथ, द कन्विक्शन दैट वी आर गोइंग टू मेक अ गुड गोडसे के रोल के लिए. इट इज़ नॉट राइट. पहले मैंने सोच लिया था जो ईमानदारी से फिल्म करनी है तो वी डोंट नीड एनी उसकी बातचीत हो सकाएंगे. तो इट वॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये डिसाइड कर लिया था और ये तय कर लिया मैंने. ऐसा डायरेक्टर बड़ा जिद्दी डायरेक्टर हूँ, मुश्किल था फिल्म बना रहे हैं. And कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कम अप एंड टेक योर मोमेंट. तो ये बहुत जरूरी है, मैं मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों का सहारा, आप लोगों का सपोर्ट यंगस्टर्स को मिलना बहुत जरूरी है. द न्यू बॉय एंड द न्यू गर्ल, इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं इस फिल्म में. एंड दे नीड योर बेस्ट विशेस, दे नीड योर. मैं बहुत सख्त था इन सबसे ज़्यादा, शायद सब इसी के साथ था कि आई डिंट वॉन्ट हर टू टेक एनी लिबर्टी. तो शी वर्क वेरी हार्ड एंड शी डिलीवर्ड अ नीट गुड परफॉर्मेंस. जो आप लोग देखेंगे आप खुद भी जज करेंगे इसे. ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम, कांग्रेचुलेशंस. आल्सो टेल, यहाँ पे मिस्टर जेपी गुप्ता जी बैठे हुए हैं. इस फिल्म में हमारे कई को प्रोड्यूसर हैं, कई लोगों ने मदद. कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लगा. और मैंने ऐसी मूवी पहले इनका राज जी का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं कॉलेज लाइफ से ही इंजीनियरिंग करता था, तब से ही इनका फैन था. और जो इन्होंने इन्होंने वर्क किया है, जो इन्होंने जो हिस्ट्री और सारा जो सच्चाई लाया है, उसका मैं बहुत फैन हूँ. कभी आपने विचारों की युद्ध नहीं हुआ? नहीं, विचारों का युद्ध होते रहता है, डिस्कशन होते रहता है, लेकिन मैं इनसे मतलब दिल से भी जुड़ा हुआ हूँ और मतलब एज ए प्रोड्यूसर भी जुड़ा हुआ हूँ. क्या बात है, बड़ा हम्बल प्रोड्यूसर. अनदर थिंग आई मस्ट टेल, आज ताकि ऑल नो दैट इट सबका कंबाइंड एफर्ट जो है ये रिजल्ट है.
अभी आप जितना पसंद करें ना करें, तो कसूरवार भी आता है, सब कसूरवार हैं, तो अकेले मैं सर पे लेना नहीं चाहता हूँ। अगर पसंद भी आती है तो कौन सवाल करेगा, बातें पकड़ू उसको मैं। चलिए पूछिए साहब, कौन बोल रहे हैं? जो है रवि जैन फ्रॉम, हाँ ठीक है जो भी है बोलिए। सर महात्मा गांधी की एक लेगेसी रही है, दुनिया भर में उनका नाम है कि उन्होंने किस तरह से देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया था, तमाम तरह के आंदोलन चलाए थे, और एक खास परिस्थिति में भारत को ब्रिटिश राज में आज़ादी मिली थी। ऐसे में ये सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है सर कि क्या आप अपनी फिल्म से गोडसे जैसे शख्स को जिन्होंने गांधी की हत्या की थी उनको आप ग्लोरीफाई करने जा रहे हैं? ये सवाल बहुत उठना लाजमी है, और क्या आप उस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए तैयार है जो आज ट्रेलर रिलीज की होने के बाद इस पर जो चर्चा होगी, इस सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जब प्ले पढ़ने को मिला, जब प्रश्न ने प्ले बढ़ा दे रहे हैं, उससे ज़्यादा उन पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, बहुत आरोप लगे हैं, और बेचारे को वक्त नहीं मिला उस आरोप का सफाई दे सके। आज तक लोग सवाल कर रहे हैं भाई गांधी भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया उन्होंने, वो चाहे तो बचा सकते थे, और 75,000 करोड़ देना था, 55 करोड़ गांधी जी ने जीत करके 55। लेकिन सवाल राजकुमार सर ये भी उठेगा कि क्या एक हत्यारे को उस तरह की वॉइस देना, उसे एक जस्टिफिकेशन का मौका देना, ये कितना सही है? बिल्कुल सही है। आप गोडसे वास्तव में सुपारी किलर, गोडसे कोई टेररिस्ट नहीं था, गोडसे हम जैसे एक इंसान था, उसने एक एक्ट किया, एक कदम उठाया। अब सही गलत वो इतिहास पीछे में डायलॉग भी है, तुम्हें शर्म करना चाहिए गर्व करना चाहिए, इसका फैसला इतिहास करेगा, हम इतिहास में हैं आज, तो लेट द यूथ डिसाइड आफ्टर हियरिंग गोडसे, आफ्टर हियरिंग गांधी, क्या सही है क्या गलत है, लेट पीपल डिसाइड। एज ए फिल्म मेकर आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरे किसी के साथ में कोई सिंपैथी है किसी नहीं है। आपका नाम सोनू है, आप नव भारत टाइम से बोल रही हैं, हाँ बोलिए जोर से। मेरा सवाल भी आपसे और अजगर सर से है कि गांधी के बारे में बहुत लिखा गया है, एक कहावत है कि बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा गांधी पर लिखा गया है, सही है, तो वो किताबें कौन सी थी जो आपने भी बोला कि मैं किताबें देखता रहता था, फिर बताता था कि ये डालना चाहिए वो, तो वो किताबें बता दीजिए, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो कौन सी किताबें थी जिससे आपने ये फिल्म। आई डोंट नो, बहुत सारी किताबें थी, एक काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री, एक आभासी इतिहास, इतिहास को एक हिस्ट्री को एक ऐसा एक्सटेंशन देना जो हुआ नहीं है, है ना, और वो काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री है जो लिटरेचर में बहुत कॉमनली यूज़ आजकल होती है, उसी के तहत जो है कोई ब्रिज बने जिससे कि हम एक दूसरे को समझ सकें, ऐसी कोशिश कम होती है, तो ये एक उस तरह की भी कोशिश है जो की गई है आप लोगों के सामने। सेंटर, हाय सर, सचिन दिस साइड। सर मेरा ये सवाल है कि आप प्लेज में भी गांधी जी का आपने रोल प्ले किया और इस मूवी में भी आप गांधी जी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हाउ डिफ़िकल्ट और हाउ इजी इट इज़ फॉर यू गांधी जी का पर्सपेक्टिव दिखाना आपके लिए, और कितना ज़्यादा टफ पड़ता है या कितना ईजी रहता है? हाँ, यू नो, स्कूल के साथ, दिग्गज के साथ काम करना, डिलीवर करना, मेरे ख्याल से इससे है। मला एवढंच विचारायचं होतं, जेव्हा पण आपण नथुराम यांची, गोडसे यांची भूमिका कोणीही केली आजपर्यंत, मग ती शरद पोंक्षेनी केलेली असो, याच्या अगोदर अमोल कोल्हेनी केलेली असो, आणि आता तुम्ही करताय, नेहमी वादविवाद हा होतोच, अशा वेळी एक कलाकार म्हणून आपण वादविवादकडे बघावं की एक कोऱ्या पार्टीनी फक्त भूमिका करावी? मी हियर फ्रॉम मूवी टॉकीज, यू आर कमिंग आफ्टर 9 इयर्स, देर आर नो फिल्म्स ऑन 20 जान, देर आर नो फिल्म्स ऑन 3rd Feb, येट यू डिसाइडेड टू क्लैश विथ शाहरुख खान पठान ऑन 26 जानेवारी, हाउ डू प्लान टू टैकल दैट? अरे भाई, सबसे पहले तो आई वांट टू जो इस तरह के सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं, इस तरह के फिल्म देखना पसंद करते हैं, वेरी डिफरेंट, आवर्स इज नॉट अ सॉन्ग एंड डांस काइंड ऑफ फिल्म, इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड है, तो दोनों अपनी अपनी जगह है फिल्म, तो मुझे, मैं कभी चिंता नहीं करता उस चीज़ का कि सामने वो है या ये है वगैरह, ओनली फोकस प्योर। आई थिंक मेरा एक जो सवाल है, आई थिंक शुरू में मेरे एक साथी ने भी पूछा था, बस लेकिन इट इज़ फ्रॉम प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, जो फिल्म में जो विचारों का युद्ध इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो सर मैं वही पूछना चाहता, राज सत्योची साहब कह सकते हैं, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक तनीषा, यू बींग द यूथ, तो
तो क्या ऐसा मतलब मेरे ख्याल से ऐसा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो 30 जनवरी 1948 को हुआ उससे पहले शायद दोनों विद्यालय गए, बट क्या उस दिन गोडसे के विचारों का भी कत्ल हो गया था? मुझसे मैं स्टार्ट करूं जो आप? यस सर। हाँ, तो ये बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि गलत है कि उसे अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है और वो मौका उसे गोडसे को नहीं मिला, वो गलत है। और मेरे इस ख्याल से कई यूथ, वो एडिट 15 मिनट बुलाया हमको, अजगर साहब हम लोग सब गए अंदर, तो उसे 6-7 औरतें भी थी, एक मिस्ट क्राउड था, औरतों की आंखें नम थी। तो जैसे मैं अंदर गया, दी सेंसर ऑफिसर लेडीज थे, बोला राजी हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे फिल्म में आप हमको रुला देंगे एंड में आके, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। तो सारे लोगों ने एक मत से कहा इट्स वेरी गुड फिल्म। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन। तो एंड अनुज, माय क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बोथ ऑफ यू। हाय, सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस, बिग कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू फॉर गेटिंग अ चांस लाइक दिस। यू हैव सच एन एक्सपीरियंस्ड टीम बिसाइड यू टू लर्न फ्रॉम। सर ने एक चीज बोली थी कि गांधी एंड गोडसे, व्हेन अ फिल्म इज मेड ऑन दैट, दीज आर हिस्टोरिकल फिगर्स एंड उनके अराउंड एक कोट है जिसके तुम बाहर नहीं जा सकते बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, योर बोथ ऑफ योर कैरेक्टर्स आर लिटिल फिक्शनल इन दैट वर्ल्ड। सो व्हेन यू गेट दैट लिबर्टी, स्पेशली एज अ न्यू कमर, टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर एंड इमेजिन योर कैरेक्टर इन अ वे दैट यू माइट थिंक इज बेटर और द डायरेक्टर इज थिंक इज बेटर, हाउ इम्पॉर्टेंट डज दैट लिबर्टी गेट, especially when you are starting off in an industry? And secondly, how was it living that era, even if it was through the lens of the camera, but living that kind of an era, the 1940s, the 30s? You know, I think उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे subjects पे काम किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप गांधी को तो लोगों ने बहुत पढ़ा है, स्कूलों में भी 2 अक्टूबर मनाया जाता है, पर गोडसे के बारे में आप क्या ब्रीफ में कुछ बताएंगे इस फिल्म में कि लोग उसको भी जानें, कुछ ज़्यादा उसके बारे में पता चलेगा? क्योंकि हम लोग तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उन्होंने एक गोली चलाई और एक महात्मा ख़त्म हो गया। तो इस फिल्म के जरिए से हम गोडसे को भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल हमारा तनिषा जी से है कि एक सवाल पहले हो जाए, बाद में जवाब हो जाए ना पहले, तो ये आशा करेंगे आप अच्छी फिल्में देंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने फादर ही के पीछे क्यों पड़ेंगे, पापा हमें लो इसमें मैं कर लूँगी, क्योंकि क्या आपने उनकी इतनी अच्छी पूरी मेकिंग देखी, फिल्म कई स्टाइल्स देखी, उस वजह से पसंद किया? और आगे आपका सफ़र शुरू हो गया फिल्मी, ये जानना शुरू कि और लोग लेंगे तो उनकी फिल्मों में भी जाएंगे या पापे की फिल्म करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली मैं और रसल डी सिल्वा फ्रॉम पीटीआई। सर, थ्रू आउट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस यू हैव बीन सेइंग दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नथुराम गोडसे के विचार और गांधी जी के विचार दोनों सामने आए और फिर पब्लिक खुद तय करेगी कि कौन सही था कौन गलत था, डिबेट हो, विच इज़ वेरी नेसेसरी। लेकिन आपने एक और बात कही कि परहैप्स ही वॉज पुश टू अ कॉर्नर which is why he had to take this step. और फिर आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसे कमाल की फिल्म भी बनाई और उसमें साफ दिखाई, हमने देखा और हिस्ट्री में भी पढ़ा कि भगत सिंह कमिटेड हिज एक्ट ऑफ वायलेंस इन सच अ वे दैट नोबडी वुड गेट इंजर्ड। नाउ यू सेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ टू अंडरस्टैंड एंड डिबेट अबाउट दिस, बट दिस पॉट अबाउट बींग पुश टू अ कॉर्नर एंड देन कमिटिंग दिस, वॉट इफ द यूथ टेक्स अ रॉन्ग मैसेज आउट ऑफ दिस एंड आफ्टर दे आर पुश्ड इनटू अ कॉर्नर समबडी gets inspired by this and does an act like Nathuram Godse had done. Well, uska anjaam to dekh liya. As I've always been interested in this subject, it has always been mentioned that the reason he assassinated Gandhiji was because he was starkly against his secular ideology and he couldn't stand the point that he was supporting Muslims and he allowed the partition of Pakistan. And that was his only reason, because he wanted a Hindu Rashtra and he did not like Gandhiji supporting secularism. Is that going to be shown in a movie? That is one part of it. Wish karna chahenge is hamare India ke liye sir de. Sabse pehle to main start karun? Haan ji sir, bilkul mere. Sabse pehle to main bahut bahut shubhkamnaen dena chahunga pure team ko. Main bada huge fan hu Kirwani ji ke, MM Kareem ke. एंड ये मोमेंट तो बहुत पहले उनके लाइफ में आना चाहिए था, क्योंकि हमेशा उन्होंने बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक दिए हैं और राजमौली सर बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं, तो इनका कंबाइंड एफर्ट है। उन्होंने किरवानी ने एडमिट किया, वो
टीम एफर्ट उनका भी था, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, और उन्होंने सिर्फ यूनिट को नहीं पूरे देश को प्राउड किया है। हम वी ऑल एज इंडियन वी मस्ट फील प्राउड, उन्होंने जो काम किया है हम गर्व महसूस करते हैं। उनको अवार्ड मिला ऐसे लग रहा है कि हमको पूरे देश को अवार्ड मिला। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, संतोष जी सर।